हे यो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे एक और नए ब्लॉग में। बेसिकली एक रिव्यू ब्लॉग होने वाला है और ये ब्यूटी चेक करो यार। तो ये वाली ब्यूटी नहीं, बाय द वे ये ब्यूटी चेक करो। सो हमने इस MT15 का थोड़ा सा फेयर बदल किया है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है। सो इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ, बट पहले आप लोग ये चेकआउट करो कि हम अभी फ़िलहाल किस जगह पे हैं। और फिलहाल हम लोग एक छोटी सी राइड पे आए थे, यहाँ पे आप पीछे लाइनअप देख सकते हो। सो पहले आपको चेकआउट कराता हूँ इधर की ब्यूटी। सो गाइस ये चेकआउट करो गाइस, क्या ही सुंदर दिख रहा है। व्हाट अ ब्यूटी मैन। सो गाइस ये है MT15 V2 और सेम मेरे जैसा मॉडल है, जो कि आज मैं लाया नहीं हूँ एक्चुअली, और भैया की गाड़ी लेके आया हूँ। ये बेसिकली मनोज भैया की गाड़ी है जिनके साथ मैं अक्सर घूमता रहता हूँ। तो जो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करते होंगे उनको पता हो गया ये किसी गाड़ी है। सो इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लो, WT क्रेज, और यहाँ पे साइड में लिख के आ रहा होगा। सो बेसिकली MT15 V2 ये है ब्लू कलर की। बाकी हम लोग ने इसमें सियान के टच दिए हैं, और एक्चुअली हम लोग ने इसमें सियान करने का क्यों सोचा, क्योंकि बहुत सी जगह में इसे पहले से ही सियान टच था कुछ, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हल्का फुल्का सियान था, तो हमने कोशिश की है कि इसमें डुअल टोन का कुछ रखें, ब्लू और सियान का। सो यार कितनी ही सुंदर दिख रही है ये। सो बेसिकली आपको शुरुआत से बताता हूँ ये इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये पैनल चेंज हुआ है इसका, और रिम्स में भी थोड़ा सा ब्लू का सियान का थोड़ा सा टच दिया गया है। और अगर आप लोग को बताऊँ कि इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन और एसेसरीज इंस्टॉल हुई हैं, सो सामने से शुरुआत करते हैं। आप जैसा देख सकते हैं इसमें वाइजर लगा हुआ है, इंडिकेटर्स हैं। तो इंडिकेटर्स जो हैं ये आपको ZX-10R जैसे दिख रहे होंगे, बेसिकली ये होंडा हॉर्नेट के इंडिकेटर्स हैं। बाकी इसमें एक विंगलेट लगा हुआ है, नंबर प्लेट हम लोगों ने थोड़ी कस्टमाइज़ करवाई थी, और इसमें थोड़े रिम स्टिकर्स और ये जो सियान का है ना ये टच दिया गया है। बाकी इसी के अगर मैं पीछे आऊँ तो आप लोगों को दिख जाएगा रेडिएटर ग्रिल, जो कि मेटल की है, पूरी मेटल की रेडिएटर ग्रिल है। और ये जो फिन्स रहते हैं, जो डक्ट रहता है उसमें भी हमने एक गार्ड लगा के रखा है यहाँ पे। सो बेसिकली वो मैच कर रहा था गोल्डन, और वो भी गोल्डन, सो हमने इसमें गोल्डन का रखा है। सो बाकी जो ये विंगलेट था उसको भी हमने रैप किया था सियान से। और वहीं पे अगर थोड़ा और मैं नीचे आता हूँ तो आपको दिख जाएंगे क्रैश गार्ड। तो आपने देखा होगा मेरी बाइक में भी क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, जो कि बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बाइक के लिए, किसी भी बाइक के लिए। सो सबसे पहले हम लोगों ने इंस्टॉल करने थे ये क्रैश गार्ड्स। और बाकी अगर इन सब का लिंक चाहिए हो आप लोग को तो वो आप कमेंट में पूछ लेना, वहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूँगा। और उसके थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे सियान की जो बैजिंग, मतलब यहाँ पे जो MT की जो ये बैजिंग दी गई है इसको भी हमने सियान किया हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है, बाइक को बहुत ही ज़्यादा निखार देती है। सो ये भी एक सियान किया हमने। बाकी अगर हम पीछे आएँ और ये जो आप चेक करोगे तो एक चीज़ आपको ये दिखेगी, एग्जॉस्ट। सो एग्जॉस्ट इसमें लगा है फुल सिस्टम, बेसिकली हम फुल सिस्टम तो नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि हमने एक अलग से इसमें कैटेड कन्वर्टर लगाया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाउड एग्जॉस्ट है ये, और जो ये पटाखे फोड़ता है, मतलब जो क्रैकल्स देता है यार, काफ़ी शानदार है। सो ये भी एक एग्जॉस्ट है जो कि हमें 6000 के अराउंड का पड़ा था, और बैंड पाइप अलग से। सो यहाँ तक ये हो गई एग्जॉस्ट की बात। एग्जॉस्ट के पीछे आते हैं तो ये आपको दिखेंगे रिम कवर्स। सो रिम कवर्स भी ये हमने खुद ही बनाए थे और खुद ही इंस्टॉल किए थे, जिसकी आपको वीडियो यहाँ आई बटन में मिल जाएगी, तो वो भी जाके चेकआउट करिएगा। बहुत ही मतलब नॉलेजेबल वीडियो है आपके लिए, अगर आप लोग भी अपनी किसी भी बाइक में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। सो अगर मैं आपको थोड़ा सा और पीछे आऊँ, अगर दिखाऊँ इसके इंडिकेटर्स और ये टेल्ट आईडी, काफ़ी सुंदर लग रही है ये टेल्ट आईडी के साथ। इंडिकेटर जो मैंने आपको बताए थे आगे भी लगे हुए हैं, सो वो हैं। और साथ ही में एक छोटी सी LED लाइट जो कि KTM की है, आप किसी भी बाइक में लगा सकते हैं। क्या एक्चुअली क्या होता है कि MT15 और R15 में थोड़ी येलो लाइट आती है हेलोजन वाली, सो वो हमने हटा दिया। ओके सो यहाँ तक के रहा पीछे का, और थोड़ा आगे अगर जाऊँ तो इसके मिरर्स चेकआउट करो या ये मिरर्स जो आप देख रहे हो। सो हेलो, सो ये वाले मिरर्स CNC मिरर्स हैं, जो कि एलुमिनियम के हैं, मतलब एलुमिनियम CNC मिरर्स हैं, और काफ़ी ठीक ठाक काम करते हैं। वैसे इतने यूजेबल नहीं है ये वाले, सो मैं आपको ये वाले सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी कुछ एसेसरीज कंपनी से लग के आई थी, जो कि चार्जिंग वगैरह की है। बाकी इन्होंने सारे एसेसरीज इंस्टॉल किए थे जो कि हमने बाद में निकाल दी। और एक जो और था इसमें एसेसरी या फिर मॉडिफिकेशन बोल दें, इसकी की जो कि फ्लिप की है, काफ़ी ही शानदार है, और उसमें जो ग्रिप है ना ये काफ़ी अच्छी लगती है। सो ये भी हमने ऑनलाइन ही मंगाई थी, जबलपुर में कुछ मिलता तो है नहीं। सो ये देखो, अरे काफ़ी शानदार है। सो ऐसी कुछ थी हमारी MT15 V2, जो कि ब्लू कलर की थी, और हमने सियान में कन्वर्ट किया। बाकी साइड का लुक देखिए, काफ़ी ही शानदार है।
सो करिए आप इंजॉय इसके सिनेमैटिक्स। कैसा लगा आप लोगों को ये वाला व्लॉग? और बाकी अगर पसंद आया हो तो जल्दी से नीचे कमेंट कर देना, लाइक कर देना इस व्लॉग को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनके पास भी MT15 है। और काफ़ी हमने इसको सिंपल रखने की कोशिश की है। बाकी कुछ अगर इसके बारे में सुझाव हो, सजेशन हो इसके बारे में, और कुछ आप बता सकते हैं कि हम आगे क्या करें इस बाइक के साथ, तो वो ही बता सकते हैं। और जितने भी पैनल्स वगैरह हमें कंपनी से ही मिल गए थे, सो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये अट्रैक्टिव भी लगती है और थोड़ा यूनिक कलर लग रहा है हमारी MT15 का। और अगर आप चाहते हैं मतलब जिसकी बाइक है उसका नाम यहाँ पे मैं ऊपर आई बटन में दे दे रहा हूँ या फिर नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा उनका, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। उनका नाम मनोज ठाकुर है। सो और बाकी हमारे साथ ही बहुत सारी राइड्स पे गए हैं, सो वो भी आपको आगे वीडियोज़ मिल जाएंगी। बहुत जल्दी बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं। सो मिलते हैं आप लोग को एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।